समंदर के नीचे सड़क, अब होगा मुंबई से दुबई तक का सफर 2 घंटे में पूरा। जानने के लिए इस वीडियो में पूरी स्टोरी देखिए। मुंबई से दुबई का सफर बस 2 घंटों में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 घंटों में आप मुंबई से दुबई तक पहुंच सकते हैं, और वो भी समंदर के अंदर चलने वाली ट्रेन से। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं बल्कि हकीकत होने जा रही है। बहुत ही जल्द आप मुंबई से दुबई का ट्रेन सफर देख पाएंगे। क्या है ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यूएई ने आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा लिया है, फिर चाहे बात दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की हो या फिर आर्टिफिशियल बारिश की या फिर फ्लाइंग कार की, हर फील्ड में यूएई नंबर 1 है। और अब यूएई एक और कारनामा करने जा रहा है, वो दुबई से मुंबई तक ट्रेन चलाने की योजना बनाने जा रहा है। और ये ट्रेन जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के अंदर से होकर गुजरेगी। इसकी जानकारी दुबई के खालिज टाइम्स के जरिए सामने आई है। खालिज टाइम्स के अनुसार एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के MD अब्दुल्ला अल शेही ने अबुधाबी में यूएई इंडिया कॉन्क्लेव के दौरान इस बड़े प्रोजेक्ट का खुलासा किया। अल शेही ने बताया कि अंडरवाटर नेटवर्क न सिर्फ यूएई बल्कि भारत के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के आने से दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच बनने वाले इस नेटवर्क से दोनों देशों की दूरी 2000 किलोमीटर से भी कम रह जाएगी। और इस 2000 किलोमीटर की दूरी को ये अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन महज 2 से 3 घंटों में पूरा कर लेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए यूएई के फुजैरा बंदरगाह से मुंबई के बीच ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसकी वजह से यूएई में काम करने वाले भारतीयों को बहुत फायदा होगा। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आयात निर्यात आसान होगा। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि दुबई के फुजैरा पोर्ट से तेल और मुंबई की नर्मदा नदी से पानी का आयात निर्यात काफी बढ़ जाएगा। यहाँ दोस्तों, इस रेल रूट के बनने से यूएई से पेट्रोलियम पदार्थों को भारत तक पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा, जिससे हमारे देश में आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दामों से भी हमें राहत मिलेगी, और यूएई को भी यहाँ से मीठा पानी सप्लाई किया जा सकेगा। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि यूएई में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। यूएई समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलकर अपने लिए पानी जुगाड़ता है, लेकिन ये तकनीक काफी महंगी होती है। इसलिए अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा यूएई का ही होगा, क्योंकि फिर दुबई इंडिया से ठंडा पानी आयात कर पाएगा, ठंडा और मीठा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भले ही सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन इसे हकीकत में बदलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि समंदर के अंदर रेल लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट होता है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि अगर ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो जाती है तो उसमें फंसे यात्रियों को कैसे बाहर निकाला जा सकेगा। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और यूएई दोनों बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं, जहां से इमरजेंसी की सिचुएशन में यात्रियों को बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन इसके बाद भी इस ट्रेन को सुनामी और तूफान जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते ये काम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। इसके अलावा दोनों देश मिलजुल कर काम करेंगे। सबसे पहले इस ट्रेन का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाएगा, मतलब इस रूट पर केवल माल गाड़ियों को ही चलाया जाएगा। जब दोनों देश पूरी तरह इस प्रोजेक्ट को लेकर संतुष्ट हो जाएंगे तभी इस पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, जिसके पूरा होने के बाद यूएई तक जाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूएई भारत के साथ ही इस प्रोजेक्ट को क्यों कर रहा है, क्यों यूएई मुंबई तक रेल लाइन बिछाना चाहता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत से सैकड़ों लोग हर साल काम करने के लिए यूएई जाते हैं। इसके अलावा यूएई के व्यापारिक रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए यह रेलवे लाइन बनाकर यूएई भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। समंदर के अंदर से निकलने वाले सुरंग की दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सुनामी भी उसका कुछ न बिगाड़ पाए। इसके अलावा समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को भी उपलब्ध कराना होगा, साथ ही प्रॉपर वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंजीनियर किस तरह इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें समंदर के अंदर रेलवे लाइन बिछाई गई हो। दुनिया में ऐसे कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें सबसे खास प्रोजेक्ट है चीन से अमेरिका तक बिछाए जाने वाली रेलवे लाइन। क्या आप सोच सकते हैं इस रेलवे लाइन की लंबाई कितनी होगी? सर, एक अनुमान तो लगाइए। इस रेलवे लाइन की लंबाई है 13,000 किलोमीटर, जो प्लान किया गया है। लेकिन चीन के लिए ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना कोई नई बात नहीं है। इस ट्रैक पर चीन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन चलाना चाहता है।
यह रेल लाइन रूस, अलास्का और कनाडा होते हुए अमेरिकी महाद्वीप पहुंचेगी। बीच में पड़ने वाले प्रशांत महासागर को पार करने के लिए समंदर के नीचे सुरंग बनाने की योजना है। यह सुरंग 201 किलोमीटर लंबी होगी। प्रोजेक्ट सफल रहने पर चीन से अमेरिका तक की दूरी महज 48 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी और इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा फायदा चीन को ही होगा क्योंकि चीन वो अपने माल को आसानी से रूस और अमेरिका के मार्केट तक पहुंचा पाएगा। फिलहाल अभी इस प्रोजेक्ट पर विचार चल रहा है। इसके अलावा चीन ने बीजिंग में 77 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल लिंक पर भी काम शुरू कर दिया। यहाँ रेल लाइन शंघाई के पोर्ट सिटी निंगबो से चाइना के ईस्ट कोस्ट पर जुहुशान को जोड़ेगा। इस लिंक में 16.2 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। यह दुनिया की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी जो केवल 80 मिनट में हांगजुजिंग से जुशान तक की यात्रा पूरी करेगी। इसके अलावा तुर्की ने भी इस्तांबुल में एक ऐसी ही अंडरवाटर टनल का निर्माण किया। इस टनल का निर्माण 2012 में किया गया था। इस टनल का नाम है बोस्फोरस वाटर टनल। इस टनल का निर्माण शहर की 15 करोड़ आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया। इसके अलावा तुर्की के इस्तांबुल में बनने वाले यूरेशिया टनल भी अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। इस्तांबुल ऐसा शहर है जिसे हम यूरोप और एशिया के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं। यह शहर इन दोनों महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है जिसके लिए यहाँ 2 सस्पेंशन ब्रिजेस हैं। लेकिन इस पर हमेशा बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है इसीलिए समंदर के अंदर एक ऑल्टरनेट रूट तैयार किया जा रहा है जिससे 1.5 घंटे की दूरी को महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वैसे दोस्तों भारत भी इस मामले में पीछे नहीं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच भी अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क बनाने की तैयारी चल रही है। 508 किलोमीटर लंबा रेलवे कॉरिडोर समंदर के अंदर 21 किलोमीटर की लंबी सुरंग द्वारा बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में 97,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिसमें जापान भारत की मदद करेगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंडिया की पहली अंडर वाटर ट्रेन का काम 2020 में कोलकाता में शुरू हो चुका है। ये रेलवे लाइन हुगली नदी के अंदर बिछाई जा रही है जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आता है और इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। ये लाइन सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को हावड़ा से जोड़ेगी। यहाँ हुगली नदी के अंदर 520 मीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। ये टनल पानी में 30 मीटर की गहराई में बन रही है। टनल की सेफ्टी के लिए 4-लेयर प्रोटेक्शन यूज किया जा रहा है ताकि हुगली नदी की लहरें इसे नुकसान ना पहुंचा सके। ट्रेन जब इस टनल को पास करेगी तब उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस टनल को पार करने में ट्रेन को 1 मिनट का वक्त लगेगा। ये ट्रेन पानी में डूबी किसी 10 मंजिला इमारत जितनी गहराई में चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि अब इंडिया भी तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है। तो दोस्तों क्या आप इस तरह की फ्यूचरिस्टिक ट्रेन में सफर करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जानकारी से अनजान न रह जाएं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरन वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।